इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हनीकॉम्स होते हैं, जो हमारे कंक्रीट होता है, जब हम कास्ट करते हैं कंक्रीट, जैसे हमने किसी कॉलम की कास्टिंग करी है, किसी बीम की कास्टिंग करी है या रिटेनिंग वॉल की कास्टिंग करी है, तो कास्टिंग करने के बाद जो रिपेयरिंग आ जाती है उसमें कहीं कहीं हनीकॉम्स आ जाते हैं। ये हनीकॉम्स इसलिए आते हैं कि या तो वाटर का प्रोपोर्शन सही ना हो, या वाटर थोड़ा कम हो, या वाइब्रेटर सही से नहीं चलाया जाता है कहीं कहीं, इसके कारण ये रिपेयरिंग आ जाती है, हनीकॉम्स आ जाते हैं, और इसको रिपेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एज अ साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आपने कास्टिंग कराई है और उसमें हनीकॉम्स आ गए हैं, तो लोग आप पे ही बोलेंगे कि आपने चेक नहीं किया या इस पहले सही से नहीं हुआ, तो इसलिए अपने को इसको सही करना होगा। तो दोस्तों, हनीकॉम को रिपेयर कैसे करेंगे हम, कैसे करवाया जाएगा, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम साइट इंजीनियर हैं, हम मैसन से कराएंगे, मैसन हमारा रहता है, मिस्त्री जो होता है वो करेगा उसको रिपेयर। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसमें जो जहाँ पर हनीकॉम आया है वहाँ पर वो थोड़ा सा पानी डालेगा, पहले उसकी वाटरिंग करेगा, पानी डालेगा, थोड़ा सा गीला हो जाने के बाद सीमेंट का घोल बना के, सीमेंट और वाटर का घोल बना के वो उसमें डालेगा, स्प्रिंकल करेगा, और उसके बाद प्लास्टर का मसाला लेगा, वो प्लास्टर का मसाला उसमें छाप के और उसको बराबर से मिला कर के उसको रिपेयर करेगा। और रिपेयर करने के बाद उसके बाद आप क्या करिए, अब उसको कहिए जो सीमेंट है, जो सूखी सीमेंट है, उसके ऊपर से सूखी सीमेंट हल्की हल्की सी स्प्रिंकल कर दे, थोड़ी थोड़ी सी मार दे ऊपर से सूखी सीमेंट। जब वो सूखी सीमेंट मार देगा तो बिल्कुल वो फिनिश जैसे कास्टिंग हुई है उस टाइप से लगने लगेगा। तो ये रिपेयर करने का तरीका होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो सिविल से रिलेटेड लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।